जैसे बड़े देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने के लिए रेलवे सबसे बड़ा माध्यम है। रेल देश के गरीब और मध्य वर्ग के लिए लाइफलाइन है। लंबी दूरी तय करने के लिए करोड़ों लोग रेल का सफर करते हैं। इतना बड़ा देश रेल नेटवर्क से जुड़ा है तो कई जगह लेवल क्रॉसिंग भी देखने को मिलती है, जहां फाटक लगाकर रेल को जाने का रास्ता दिया जाता है। जब रेल नहीं आती तो वहां से सड़क परिवहन को गुजारा जाता है। फाटक खोलने और बंद करने के लिए एसी लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन रखे जाते हैं, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन कई बार गेटमैन की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन जाती है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक लेवल क्रॉसिंग पर गार्ड तैयार रह गया और तेज रफ्तार ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजर गई, जबकि फाटक खुले हुए थे। गेटमैन की इस लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खुली हुई रेलवे क्रॉसिंग से ट्रेन धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ गई और गेटमैन सोता रहा। मौके पर मौजूद एक राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद रेलवे प्रशासन ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय रेल अधिकारियों की एक टीम ने मामले की जांच रिपोर्ट मंडल मुख्यालय लखनऊ को भेज दी है। पहली नज़र में दोषी पाए जाने पर गेटमैन को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आगे की कार्यवाही को लेकर किसी अधिकारी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। राहगीर ने खुले फाटक से ट्रेन के गुजरने का वीडियो बनाया और जब ट्रेन गुजर गई तो गार्ड रूम में जाकर गेटमैन से बात करनी चाहिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गेटमैन ने उस व्यक्ति से बात करने के बजाय ट्रेन के गुजर जाने के बाद फाटक बंद कर दिया। यह घटना अयोध्या के रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग की बताई जा रही है। प्रारंभिक जाँच के अनुसार घटना रविवार रात की है। यहां से गुजरने वाली ट्रेन की पहचान सरयू एक्सप्रेस के तौर पर हुई है। बता दें कि यह ट्रेन प्रयागराज से मनकापुर के बीच चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।